नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेसिकली। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उनकी कुछ हिस्ट्री से। मिड टू लाइट लेट 90s, यानी कि 90s में इस कंपनी ने क्या करा, इस कंपनी ने सबसे पहले शुरुआत करी CTV और VCR असेंबली के स्टार्टिंग से। अगर आप लोगों को याद हो तो 90s के ज़माने में हम लोग मूवीज़ जो देखते थे वो VCRs पे देखते थे। तो बेसिकली वहाँ से इस कंपनी ने स्टार्ट करी, एक मॉडेस्ट हम्बल शुरुआत। इन्होंने कुछ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक जाइंट्स के साथ हाथ मिलाया और उनसे कहा कि हम लोग आपके बिहाफ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और इन्होंने अपना प्लांट डाला नोएडा में, पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और इन्होंने जो ऑपरेशंस शुरू करे उनको कहा प्रिस्क्रिप्टिव EMS ऑपरेशंस। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी की शुरुआत क्या हुई कि मैं इलेक्ट्रॉनिक जाइंट हूँ से, कि उस समय सैमसंग ने, ये एग्जाम्पल के लिए है, एक्चुअल डेटा नहीं है, सैमसंग ने इनसे कहा डिक्सन से कि ये हमारे टीवी की या VCR की स्पेसिफिकेशंस हैं, आप इस स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हमारा VCR बनाइए और मैन्युफैक्चर करिए, यानी कि इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप उसको डेवलप करिए और फिर उसको बनाइए। तो इसको हम क्या कहते हैं, EMS ऑपरेशंस। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग दो वर्ड बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि इस कंपनी का पूरा फोकस इन दो वर्ड्स के बीच में ही है, EMS और ODM। EMS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जहां पे कंपनी कहती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से, यानी कि डिक्सन जैसी कंपनी से, कि ये हमारी स्पेसिफिकेशंस हैं, ये हमारा डिजाइन है और ये हमारा IP इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट है, उसको आप इस फॉर्म में डिजाइन करिए, सारी स्पेसिफिकेशंस हमारी, सब कुछ डिजाइन हमारा, आपको केवल उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है इस तरह से, ठीक है। तो इसको क्या कहा इन्होंने, प्रिस्क्रिप्टिव EMS सर्विस। मतलब ये इस तरह से हो गई कि डॉक्टर ने दवा लिख के दे दी और आपको दवाई देनी है बस। अब जो ODM मॉडल होता है उसको हम कहते हैं ओरिजिनल डिजाइन मॉडल। ओरिजिनल डिजाइन मॉडल क्या होता है, यहाँ पे डिक्सन जैसी कंपनीज जो कि पहले EMS का काम करती थी, जो प्रिस्क्रिप्शन बेसिस पे काम करती थी, यानी कि जो कंपनी ने लिख के दिया उसी को बनाएंगे, इन्होंने खुद अपने डिजाइंस बनाए और उनके IP राइट्स इनके पास हैं। तो उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं इनके पास होते हैं प्रोडक्ट्स के, और यही डिफरेंट कंपनीज के बिहाफ पे उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट भी इनका, डिजाइन भी इनका, मैन्युफैक्चरिंग भी इनकी, और ये दूसरी कंपनीज को बेचते हैं और वो लोग इस पे अपनी मोहर लगा के एंड कंज्यूमर को बेचते हैं। तो उनका काम केवल इतना रहता है कि आपको बना बनाया प्रोडक्ट मिलता है और आप केवल अपनी मोहर लगा के इनको बेच रहे हैं। तो इसमें जो है ये हाई मार्जिन बिजनेस है, यहाँ पे कंपनी की से है, यानी कि कंपनी अपने टर्म्स सामने रख सकती है क्योंकि सब कुछ यही कर रहे हैं, इवन प्रोडक्ट का IP भी इनके पास है। तो इसी पे बेसिस रहा है डिक्सन का लास्ट बहुत सारे सालों पे। तो हमने देखा 2002 2000 से 2008 के बीच इन्होंने और कुछ नई चीज़ें बनाई, जैसे कि DVD, CFL बल्ब्स, इन्होंने बाकी भी बहुत सारी कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड्स को अपना कस्टमर बनाया, मल्टी लोकेशन फुटप्रिंट्स अपनी बनाई, तो इन्होंने ऑपरेशनली अपने आप को और बेहतर करा। 2008 से 2010 यहाँ पे इन्होंने और कुछ चीजें ऐड करी, यहाँ पे इन्होंने ODM ऐड करा फॉर CTV, DVD एंड CFL बल्ब्स, यानी कि इन्होंने इन प्रोडक्ट्स के लिए अपना पेटेंट कराया और अपना ही डिजाइन बनाया। तो ये पहली कंपनी थी जिसने ये ODM बनाया, यानी कि जिसने अपने प्रोडक्ट्स पेटेंट कराए, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर था। तो ऐसी पहली कंपनी थी इंडिया की, स्टार्टेड शीट मेटल प्लास्टिक मोल्डिंग, ODM एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये इनका फोकस रहा इन सालों में। उसके बाद लास्ट 9 ईयर्स में जमाना आया LCD LED टीवीज का, मोबाइल फोन्स का, CCTVs का। तो इसमें भी इन्होंने अपनी असेंबली यूनिट स्टार्ट करी, रिवर्स लॉजिस्टिक्स स्टार्ट करे, यानी कि ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स दोबारा वापस लेके उनको रिफर्बिश करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने वॉशिंग मशीन, LED लाइटिंग, मैग्नेटिक पावर सप्लाई, सिक्योरिटी कैमराज, तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की तरफ ये कंपनी मूव कर रही है। तो कंपनी का फोकस क्या है, सबसे पहले इनका EMS से ODM में आना और उसके बाद हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पे और उसके बाद बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जिससे कंपनी की मार्जिन इंप्रूव हो।
तो अगर हम इनके डिफरेंट यूनिट से देखते हैं कितना रेवेन्यू आता है, तो आप देख सकते हैं जो इनका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है वो सबसे बड़ा कारोबार है और उसी से इनका 40% रेवेन्यू आता है। ठीक है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार में इनका मेन आता है टेलीविजन डिवीजन। लाइटिंग सॉल्यूशंस में इनका 30% रेवेन्यू आता है, ठीक है, जिसमें ये एलईडी लाइट्स, एलसीडी लाइट्स ये बनाते हैं। होम अप्लायंसेस में इनका मेनली वॉशिंग मशीन का डिवीजन आता है। मोबाइल फोन्स में इनका 12% रेवेन्यू आता है। सिक्योरिटी डिवाइसेस से 3.8% और रिवर्स लॉजिस्टिक से 1%। तो आप देख सकते हैं कि ये दो इनके मेन कारोबार है जिसमें ये टीवी बनाते हैं और लाइटिंग यानी कि एलईडी बल्ब्स और ट्यूब्स बनाते हैं। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पर आता है वो इनकी वॉशिंग मशीन और मोबाइल फोन्स का कारोबार आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके सबसे बड़े कारोबार की, जो कि है टीवी की। टीवी से रिलेटेड कंपनी के पास बहुत ही बड़ी कैपेसिटी है टीवीज बनाने की। आप देख सकते हैं इनके पास 4.4 मिलियन यानी कि ये 44 लाख टीवी एक साल में बनाते हैं। इनकी जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो आप देख सकते हैं, रेंज है साइज फ्रॉम 19 इंचेस टू 65 इंचेस। ये सभी तरह के टीवी बनाते हैं, ए टीवी, 2K, 4K, स्मार्ट, सेमी स्मार्ट, एंड्रॉयड सर्टिफाइड, लाइनस बेस्ड, तो जितने भी तरह के टीवीज होते हैं सारे बनाते हैं। थ्रू दिस वर्टिकल वी प्रोवाइड ODM सॉल्यूशंस, यानी कि इस वर्टिकल से ये ODM सॉल्यूशंस लेते हैं, यानी कि टीवी में इनके पास IP राइट्स हैं, जो डिजाइन हैं वो इनके खुद के हैं। एंड टू एंड सॉल्यूशंस देते हैं, ऑटो इंसर्शन, SMT, बहुत सारे इनके मार्की क्लाइंट्स हैं। अगर टीवी में कहते हैं तो टीवी में इनके जो सबसे बड़ा टीवी का प्लेयर है स्मार्ट टीवी का इंडिया में वो है शाओमी। तो शाओमी इनका सबसे बेस कस्टमर या मेन कस्टमर कहेंगे हम, वो शाओमी है। और शाओमी का जो मार्केट शेयर है इंडिया में वो है 39%। तो आप समझ सकते हैं कि शाओमी के सभी टीवी डिक्सन बनाता है। तो आप जब भी शाओमी का टीवी देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये डिक्सन ने बनाया है, यानी कि अगर शाओमी के टीवी बिक रहे हैं तो यानी कि डिक्सन का शेयर लेके आप उस पर बैट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो LG के 15%, सोनी के 14% और सैमसंग के 12%। लेकिन सैमसंग भी अब शाओमी का कस्टमर बन गया है और सैमसंग ने इनिशियली स्टार्ट किया है केवल 65 इंचेस के टीवी के साथ, डिक्सन के साथ करार किया है। तो अब सैमसंग भी धीरे धीरे डिक्सन के पास आता जा रहा है। तो बहुत ही जल्दी अगर ये अपना पूरा कंप्लीट बेस डिक्सन के पास स्टार्ट करते हैं तो आप कह सकते हैं इंडिया में आधे टीवीज जो बेचते हैं वो डिक्सन ही बेच रहा है। तो टीवीज की सेल अगर बढ़ती है तो आपको अगर टीवीज पे बैट करना है तो आप डिक्सन का शेयर खरीद सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं होम अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस में इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो है वॉशिंग मशीन्स। वॉशिंग मशीन्स में ये लोग काफी सारे मॉडल देते हैं। इसमें भी ये ODM बिजनेस मॉडल है, यानी कि इनके पास अपने राइट्स हैं, अपने पेटेंट्स हैं, इनके खुद के डेवलप करे हुए प्रोडक्ट्स हैं और बाकी कंपनीज इनसे उठा के केवल अपने लोगो चिपका के ये बेच रहे हैं। तो इनके पास सबसे ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 6 kg से 10 kg तक है। 140 मॉडल ये बनाते हैं मल्टीपल वॉशिंग मशीन्स के साथ में। कंपनी क्या कर रही है, एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन 6 kg टू 8 kg की एक और प्रोडक्शन को स्टार्ट कर रही है। अगर हम बात करते हैं तो ये अभी 10 लाख वॉशिंग मशीन्स बना सकते हैं। वॉशिंग मशीन में कंपनी काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है और जो नई कैपेसिटी डाली है इन्होंने उसमें फ्रंट लोडिंग मशीन्स ये बनाएंगे। और इनके पास अभी जो हाल में न्यू लेटेस्ट कैपेसिटी है वो 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख की है। साथ ही साथ इन्होंने एक नया कस्टमर जोड़ा है जो कि है वोल्टास बेको, जो कि अभी तक नहीं था। तो वॉशिंग मशीन्स में भी ये लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, नए नए कस्टमर्स को एडिशन करते जा रहे हैं। लाइटिंग सॉल्यूशंस में भी हम देख सकते हैं कि ये एलईडी बल्ब्स, इमरजेंसी बल्ब्स, बैटेंस काफी सारी इंटरनेशनल और इंडियन ब्रांड्स को देते हैं। इनकी कैपेसिटी आप लोग देख सकते हैं 250 मिलियन एलईडी बल्ब्स, यानी कि ये करीब करीब 25 करोड़ एलईडी बल्ब्स बनाते हैं, जो कि 50% ऑफ इंडियाज रिक्वायरमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे ये बल्ब बना रहे हैं कि पूरे इंडिया में जो 50% बल्ब हैं वो ये बना सकते हैं। डाउन लाइटर्स जो होते हैं उनमें इनकी कैपेसिटी 12 मिलियन है, यानी कि 1.2 करोड़। ये भी इंडिया की 25% कैपेसिटी है। इनका जो लाइटिंग डिवीजन है वो टॉप 10 में आता है वर्ल्ड्स में इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो इतनी बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी है इनके पास लाइटिंग के लिए। तो
लाइटिंग में भी कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, और देख सकते हैं आप कि इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो और प्लेयर्स के सामने बहुत बड़ी है। इंडिया की 50% लाइट्स या बल्ब्स ये बना रहे हैं, 25% इंडिया की ये डाउन लाइटर्स बना रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे नए नए ब्रांड्स को एक्वायर कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने हेवल्स को एक्वायर किया, और इनको ये एमरजेंसी बल्ब सप्लाई कर रहे हैं हेवल्स को। साथ ही साथ इन्होंने एक और कंपनी के साथ करार किया है रिसेंटली, जिसका नाम है HPL। HPL की जितनी भी प्रोडक्ट रेंज है पूरी डिक्सन ही बनाएगा, और हेवल्स के लिए ये एमरजेंसी लाइट्स बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी नामी ब्रांड्स हैं, वो सब डिक्सन से ही कारोबार करा रही हैं। बेसिकली डिक्सन इनको बना के देता है, ये लोग अपनी मोहर लगा के उस पर बेच रहे हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे बैट करना चाहते हैं, टीवीज पे बैट करना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन पे बैट करना चाहते हैं, कि आपको लगता है कि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड आगे काफ़ी अच्छी रहेगी, तो डिक्सन वो कंपनी है जहाँ से आपको इन सभी अप्लायंसेस इलेक्ट्रॉनिक्स पे बैट करने का मौका मिलता है। बेहतरीन कंपनी है, काफ़ी अच्छा ये लोग हर ही सेक्टर में या हर अपने प्रोडक्ट में काफ़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने मोबाइल फोन्स की भी एक नई कैपेसिटी लगाई है नोएडा में, जहाँ पे ये 2,24,000 स्क्वायर फीट की कैपेसिटी है, और जो इनकी कैपेसिटी मोबाइल्स बनाने की है वो है करीब 4 करोड़ मोबाइल्स हर साल। यहाँ पे भी इनके पास काफ़ी सारे मार्की कस्टमर्स हैं, और इनकी ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री है। हालांकि मोबाइल फोन्स की इनकी कैपेसिटी अभी पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो कंपनी ने कहा है कि इनको हाल ही में एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है रिलायंस जियो से, और वो ऑर्डर जो मिला है वो मिला है रिलायंस जियो के सेट टॉप बनाने का। तो इनको जो ऑर्डर मिला है उसमें इनको केबल सेट टॉप बॉक्सेस बनाने हैं, ड्यूअल ट्यूनर केबल सेट टॉप बॉक्सेस बनाने हैं रिलायंस जियो के लिए, और ये मार्च 2020 से इनकी डिलीवरी शुरू कर देंगे। ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर है इनके लिए, ये काफ़ी एक्साइटेड है इस कस्टमर एक्विजिशन के बारे में। और इनका जो तिरुपति में प्लांट है वहाँ से ये लोग डुअल ट्यूनर हाइब्रिड सेट टॉप बॉक्स बना के दे रहे हैं रिलायंस को। तो इस तरह से अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं अच्छे से। सिक्योरिटी डिवाइसेस भी ये लोग बना रहे हैं, आप देख सकते हैं CCTV DVR काफ़ी इनका चलन है। ये भी ये करीब 0.7 मिलियन यानी कि 7 लाख और 15 लाख जैसे हर महीने बना रहे हैं। रिवर्स लॉजिस्टिक्स में ये लोग कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं कि वो खराब टीवीज, मोबाइल्स, मॉडम्स, कंप्यूटर पेरिफेरल्स इनको देते हैं, और ये रिपेयर करके उनको दे देते हैं। अगर इनके प्लांट्स की बात करते हैं तो इनका जो सबसे बड़ा प्लांट है वो नोएडा में है। नोएडा में इनके 4 बड़े यूनिट्स हैं, एक लाइटिंग को लेके, एक मोबाइल फोन्स को, एक रिवर्स लॉजिस्टिक, और एक PCB लाइटिंग के लिए। नोएडा में इनका R&D सेंटर भी है, बाकी प्लांट्स इनके दिल्ली, सॉरी देहरादून में है। लाइटिंग और वॉशिंग मशीन के तिरुपति में इनका प्लांट है, जो कि LED TV, CCTV, DVR बनाता है। तो आप देख सकते हैं ये मेन तीन लोकेशन है जहाँ पे इनके प्लांट्स हैं। अगर हम ब्रांड्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो भी नामी ब्रांड्स हैं, आपने सुनी होंगी लाइटिंग में, फिलिप्स, पैनासोनिक, विप्रो, बजाज, ल्यूकर, ल्यूमिनस, क्रॉम्पटन, एंकर, सूर्या, सिस्का, उषा। सिमिलरली LED TV में पैनासोनिक, कोरियो, MI, शाओमी, रिकनेक्ट, क्रोमा, सैमसंग, मार्क, सैन्यो, लॉयड, विजय सेल्स, मेट, स्काईवर्थ, फिलिप्स, TCL। मोबाइल फोन्स में लोग पैनासोनिक, सैमसंग, जियोनी, कार्मन, टैम्बो, इनफोकस, एल्केटेल। वॉशिंग मशीन में सैमसंग, पैनासोनिक, फ्लिपकार्ट, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, टी सीरीज, गोदरेज, लॉयड, कोरियो, वेस्टर्न, हेयर, एम्स्ट्रैड, कोमा। रिवर्स लॉजिस्टिक में एयरटेल, डिश टीवी, चैंगोंग, मिताशी, पैनासोनिक, CP+, विजय सेल्स, हुआई, शाओमी। तो आप देख सकते हैं कि कितने मार्की ब्रांड्स हैं, जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इंडिया के, सभी ब्रांड्स को ये कंपनी केटर कर रही है। तो इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार पे अगर आपको बेट करना है तो ये बेस्ट कंपनी है। अगर कंपनी की स्ट्रैटेजी की बात करें, मैंने पहले भी कहा था कंपनी चाहती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक ODM बनाए, यानी कि जहाँ पे इनके खुद के डिज़ाइंस हो और इनके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हों। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें, जिससे कि ये सारे नीचे के प्रोडक्ट्स भी खुद बनाएं, जिससे इनकी मार्जिन बेहतर हों। अगर हम बात करते हैं कि कंपनी के पास इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, तो कंपनी का कहना है कि इंडिया एक बहुत ही ग्रोइंग मार्केट है EMS के लिए, और ये अगले 5 सालों तक ग्रो करती रहेगी। साथ ही साथ क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है मेक इन इंडिया का, तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में फ़ायदा हो। और हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो
कोविड-19 के बाद चाइना से अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री शिफ्ट करना चाहती हैं इंडिया, तो उस केस में भी काफ़ी अच्छा फायदा होगा इस कंपनी को। साथ ही साथ हमने देखा है कि मोबाइल फोन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंस बनाते हैं, सभी की जो ग्रोथ है आगे वो काफ़ी अच्छी आंकी जा रही है। आप देख सकते हैं ग्लोबल जायंट्स आर एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज टू रीलोकेट देयर मैन्युफैक्चरिंग बेस, यानी कि सभी ग्लोबल जायंट्स चाहते हैं कि वो इंडिया में भी अपना एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाए, जिसमें कि ये कंपनी को काफ़ी फायदा होगा। कंपनी रेगुलरली अपने प्रोडक्ट्स के साथ नए नए प्रोडक्ट्स लाती है, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढती है। जैसे कि मैंने कहा, ये लोग ODM बिजनेस मॉडल में शिफ्ट होना चाह रहे हैं सभी वर्टिकल्स में, और इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल ये बनाना चाहते हैं, और ये बहुत सारे जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो करना चाहते हैं, जिससे कि इनकी मार्केट में प्रेजेंस बढ़े, रीच बढ़े और इनकी मार्जिन्स बढ़े। तो अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। आप लोग देख सकते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम लोग देखेंगे कि इनका रेवेन्यूज कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। मार्च में अगर ये 600 करोड़ कर रहे थे मार्च 2017 में, और अगर हम चलते हैं कि मार्च 2019 में 860 करोड़ कर रहे हैं, तो हम देखेंगे क्वार्टरली रेवेन्यूज लास्ट 3 साल में 30 से 40% बढ़ गए हैं। हालांकि मार्जिन्स कंपनी के बहुत हाई नहीं हैं, केवल 4 से 5% के मार्जिन से, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है और काफ़ी इंटेंस कंपटीशन होता है इस फील्ड में, तो मार्जिन्स पे ये कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन इनका फोकस मार्जिन्स बढ़ाने पर ही है। तो कंपनी को लगता है कि आगे चल के वो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा पाएंगे, और इंटर्न ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा, और साथ ही साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन और जो इनका बिजनेस मॉडल EMS से ODM की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उसकी वजह से इनको मार्जिन्स में कुछ इजाफा देखने को मिलेगा। कंपनी की अगर वैल्यूएशंस की बात करते हैं, तो कंपनी ने देख सकते हैं लास्ट 3 क्वार्टर्स में करीब करीब 100 करोड़ रुपए कमाए हैं, और अगले क्वार्टर में भी ये अगर करीब करीब 25 करोड़ रुपए, जैसे 125 करोड़ जैसे रुपए ये कमाते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये 125 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और करीब 5,000 करोड़ की कंपनी है, तो यानी कि इसका PE 40 के करीब बनता है। और अगर हम इनकी बैलेंस शीट पर निगाह डालते हैं, तो बैलेंस शीट पर भी इनकी छोटी इक्विटी है 11 करोड़ की, और 127 करोड़ का इनके ऊपर डेट है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट डेट नहीं है इनके पास, और कंपनी ओवरऑल फाइनेंशियली भी हमने देखा है अच्छा परफॉर्म कर रही है। इनकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो भी आप लोग देख सकते हैं 27% की ये कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमा रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% की कमा रही है, सेल्स ग्रोथ 29% की, तो काफ़ी अच्छे इसके फाइनेंशियल्स हैं। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें लगते हैं, वो है करीब 3,000 से लेके 3,200 के बीच में, ये वैल्यू बाइंग जोन बनता है इस स्टॉक में, और किसी भी गिरावट में इसको इस जोन में एक्यूमुलेट कर सकते हैं हम लोग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। बाकी कंपनी काफ़ी अच्छी है, अगर आपको बैट करना है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन इंडिया। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।